लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन होती क्या है, चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव, लीनियर मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को मैंने ए डैश बी डैश लिया था और ऑब्जेक्ट को ए बी लिया था, तो यहां पर क्या ले रहा है, एच टू बाय एच वन, पहला स्टेप। जब मैंने अभी डेरिवेशन की थी, चाहे कोई भी लेंस का फॉर्मूला ले, उसमें ट्राइंगल्स लिए थे मैंने, ट्राइंगल्स के अंदर चेक कोई भी ट्राइंगल चेक कर लो, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के नाम तो याद ही आपको भी याद हो गए, तो पहली रेशियो थी ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश बाय सी बी, ऐसा कुछ था, चेक करो, ऐसा कुछ ट्राइंगल का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल से लिया था। तो एक्चुअल में पता है क्या था, ए डैश बी डैश था हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, और ए बी का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इसके इक्वल है। और चेक करो सी बी डैश का मतलब क्या था, सी बी डैश का मतलब था डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी डिवाइडेड बाय, सी बी का मतलब क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज आ गए, मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। तो इसको हम साइन कन्वेंशन के साथ अगर पुट करें, तो हमारे पास पहले क्या था, कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस में दो केस थे, रियल का और वर्चुअल का। रियल इमेज कैसी थी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो इमेज राइट पे, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो याद करो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज क्या थी, उल्टी थी रियल में, इसलिए साइन क्या लगा, माइनस, माइनस एच टू, और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है तो क्या लगेगा, एच वन, तो माइनस एच टू बाय एच वन, कोई डाउट इसमें। और ऐसी जो इमेज है वो राइट साइड पे थी प्लस प्लस वी, और ऑब्जेक्ट कहां पर था, लेफ्ट साइड पे था माइनस यू, तो क्या बनेगा, माइनस वी बाई यू। क्या ये स्टेप क्लियर है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उल्टे हैं तो इसलिए नेगेटिव, इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड है इसलिए नेगेटिव। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन रियल में हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव, कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लें, पहला स्टेप क्लियर है। और अगर यही केस वर्चुअल में लगाएं, तो वर्चुअल में ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी उसकी सीधी है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और इमेज भी सेम साइड पे है, ऑब्जेक्ट भी सेम साइड पे है, तो माइनस वी बाय माइनस यू, तो और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू, और ओवरऑल मैग्निफिकेशन वर्चुअल के केस में क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या स्टेप क्लियर है, रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव। ऐसी कंकेव लेंस में सेम केस है, वही सेम केस है, वर्चुअल बनता है उसमें भी, तो ये भी इमेज सीधी बनती है, H2 by H1, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड, तो V by U। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हम जब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो यहां इतनी कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, हम सिंपली मैग्निफिकेशन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे बिना साइन कन्वेंशन के, हम न्यूमेरिकल में ही साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, थ्योरी में हम याद ही नहीं करेंगे, हालांकि मैंने कराया थ्योरी में, पर हम न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे मैग्निफिकेशन बिना साइन कन्वेंशन के, तो बहुत आसान हो गया उल्टा, H2 by H1, V by U। तो न्यूमेरिकल में जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर ही साइन कन्वेंशन पुट कर लेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो बार बार थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, और रादर यहां पे साइन कन्वेंशन पुट करने की बजाय यहां पुट कर लेंगे, एक ही बात है, क्योंकि M is equal to H2 by H1, या तो यहां साइन कन्वेंशन पुट करो या यहां कर लो, बात तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज जब करेंगे, तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव, और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव, बस ये याद कर लेंगे, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करके आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं करके दिखाता हूं भी आपको, पॉइंट यहां तक क्लियर है, मैग्निफिकेशन के ये दो रूल्स क्लियर हैं, इसको करना कैसे है, उसको आगे करने से पहले एक और चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन एम इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, आप लेंस का फॉर्मूला लिखें, U से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा U by V, ये बन जाएगा 1, ये बनेगा U by F, ऐसे। तो यहां से LCM लें, LCM लेके V और U का रेसिप्रोकल लें, तो आपके पास ये टर्म आएगी, और V upon U की रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आप प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला F upon F plus U,
ये याद कर लें, ये सीधा न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यही यूज करेंगे, जब यू निकालने की बारी आएगी तो यही डायरेक्ट यूज करेंगे, क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, ये फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक। तो अगर रियल का केस आएगा एम को नेगेटिव पुट कर देंगे, वर्चुअल आएगा एम को पॉजिटिव पुट कर देंगे, आंसर सॉल्व, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से अगर आप फिर से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ लिखें, इस बार v से मल्टीप्लाई कर दें, इस बार अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, ये v बाई यू हो गया और ये v बाई एफ हो गया, सॉल्व करेंगे तो v बाई एफ, v एलसीएम लेके v बाई यू की वैल्यू आ गई, v बाई यू क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v क्या आ गया, f माइनस v बाई एफ, ये भी फॉर्मूला नोट करें, वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u की टर्म में था, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v की टर्म में है, कोई डाउट इसमें, तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज को नोट करें और कैसे यूज करना है इसको भी डिस्कस करते हैं।